नमस्कार, मैं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं P24 न्यूज़। फरीदाबाद के नेशनल हाईवे से सटे बापूनगर इलाके में बने दो कबाड़ के गोदामों को वहीं पर काम करने वाले एक युवक ने आग के हवाले कर दिया। गोदाम को आग के हवाले करने वाले युवक को लोगों ने रंगे हाथे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। फरीदाबाद के नेशनल हाईवे से सटे बापूनगर इलाके में धू धू कर जलते दिखाई दे रहे यह वही गोदाम है जिनमें आज अचानक आग लग गई और दोनों गोदाम जलकर स्वाहा हो गए। लेकिन यह आग किसी बिजली के शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी, बल्कि इसे तो खुद वहीं पास में दुकान पर काम करने वाले एक युवक ने लगाया। पकड़े जाने के बाद आरोपी युवक की लोगों ने पिटाई कर दी। वहीं अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि उसने दुकान की सफाई कर कूड़े में आग लगाई थी, जिसके बाद आग ने बड़ा रूप ले लिया। अब वह अपने किए पर पछतावा कर रहा है। कबाड़ के गोदाम में हुए नुकसान की भरपाई करने की बात कह रहा है। दुकान से मैं साफ कर रहा था, फिर वहीं पे वो कूड़ा को जला रहा था। अच्छा। तो वहीं पानी बुझा रहा तो बुझ नहीं रहा था। अच्छा, तो इसी दुकान पर काम करते थे? ना ना, दूसरी दुकान है। दुकान है मेरी, खोखा है। अच्छा। बराबर में तो किस चीज से आग लगा रहे थे? इतना किस चीज से आग लगा रहे थे आप बताओ? दिल्ली से जलाए हुए इसमें कबाड़े में। तो आपको पता नहीं बराबर में कबाड़े का गोदाम में आग नहीं लगानी चाहिए? थोड़ा सा हमें बोला कि इतना थोड़ी पकड़ लेगा। अब इतनी मात्रा में आग लगी है, यहाँ इतने नुकसान है। फरीदाबाद से केशव की रिपोर्ट।